नमस्ते आदाब, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का फिर से स्वागत है न्यूज 21 राजस्थान में। ये है हमारी दैनिक प्रस्तुति नागौर हेडलाइंस। नागौर हेडलाइंस के अंतर्गत हम देश प्रदेश एवं हमारे नागौर जिले से जुड़ी हर खबर को लेकर, हेडलाइंस को लेकर आपके बीच में रोज उपस्थित होते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की नागौर हेडलाइंस। कोरोना अपडेट, बीती रात 9 बजे आई रिपोर्ट के अनुसार कल प्रदेश में 212 केस आए सामने। अब तक आंकड़ा पहुंच चुका है 6,227, जिसमें से 2,591 केस हैं अब तक सक्रिय। जिले में कोरोना अपडेट, कल आए जिले में 16 नए केस से आंकड़ा पहुंच गया 229। वहीं 126 लोगों को रिकवर होने पर कर दिया गया है डिस्चार्ज। अब तक 98 केस हैं जिले में सक्रिय। 23 मई से पुनः शुरू होगी रोडवेज बसें। 55 रूटों के लिए समय सारणी हुई तय। राजस्थान रोडवेज के प्रबंध निदेशक एवं अध्यक्ष नवीन जैन के अनुसार ऑनलाइन भी कर सकेंगे बुकिंग तथा सुबह 7 से लेकर शाम 7 बजे तक चलेगी गाड़ियां। नागौर जिला मुख्यालय से CMHO डॉक्टर सुकुमार कश्यप ने ली सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक। COVID-19 की रोकथाम व बचाव को लेकर संचालित हेल्थ मैनेजमेंट की समीक्षा। रिया बड़ी उपखंड अधिकारी सुरेश केम ने कल कस्बे के बाजारों का निरीक्षण कर बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों के काटे चालान। कस्बे के व्यापार संघ द्वारा इस टीम को पत्र लिखकर सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक दुकानें खोलने की मांगे स्वीकार की। बेगाना शहर में कल पहला कोरोना पॉजिटिव मिलने के साथ ही शहर में लगाया गया कर्फ्यू। 4 दिन पहले हैदराबाद से लौटे 24 वर्षीय युवक के पॉजिटिव आने पर भेजा गया JLN अस्पताल नागौर। शहर के प्रशासन एवं चिकित्सा टीम द्वारा किया जा रहा है जागरूक एवं खंगाली जा रही है ट्रेवल हिस्ट्री। डीडवाना में कल मिले कोरोना के 3 नए पॉजिटिव केस। दमन से लौटी महिला की रिपीट रिपोर्ट भी आई है पॉजिटिव। महिला की बेटी व पति भी जाँच में पाए गए हैं पॉजिटिव। तीनों को पहले से ही बांगड़ अस्पताल में रखा गया है क्वारंटाइन। कल मकराना में मिले 3 नए कोरोना पॉजिटिव केस। 2 बोरावड़ एवं 1 देश वालियों की ढाणी से है शामिल। तीनों को 108 एम्बुलेंस के जरिए उपचार हेतु भेजा गया अस्पताल। गौरतलब है कि बोरावड़ के सबलपुरा रोड एवं बिल्लू रोड पर मिले हैं पॉजिटिव। बैंकिंग कार्यों को लेकर जिले में लोग दिख रहे हैं लापरवाह। तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भी नहीं रख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान। कल परबतसर कस्बे में कोऑपरेटिव बैंक के बाहर दिखी भारी भीड़। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर नागौर जिला मुख्यालय पर हुआ रक्तदान शिविर का आयोजन। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष हनुमान बांगड़ा ने बताया कि युवाओं को स्वर्गीय गांधी की पद चिन्हों पर चलते हुए परोपकार एवं समाज सेवा अपना कर बढ़ना चाहिए आगे। बांगड़ अस्पताल डीडवाना के कोरोना वार्ड में भर्ती लुनियावास एवं दौलतपुरा के 2 युवकों की लगातार 2 रिपोर्ट नेगेटिव आने पर कर दिया गया है डिस्चार्ज। एम्बुलेंस के जरिए भिजवाया गया संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर। नागौर के एडिशनल CMHO डॉक्टर शीश राम ने रियाबड़ी के सताना कला क्वारंटाइन सेंटर का किया दौरा। व्यवस्थाएं जांच कर दिए आवश्यक निर्देश। कल क्षेत्र में 7 लोगों को संदिग्ध मानते हुए भेजा गया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रियाबड़ी। आगामी पर्व ईद उल फितर को लेकर कल कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन केसावत ने मकराना उपखंड कार्यालय में अजमेर संभाग के एडिशनल कमिश्नर एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर के साथ ली बैठक एवं की चर्चा। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने गुरुवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से दूरभाष पर बात कर जिला मुख्यालय पर सेना भर्ती मामले से करवाया अवगत। बेनीवाल के अनुसार मिला है सकारात्मक आश्वासन। बेनीवाल ने कहा, युवाओं को नहीं होने देंगे परेशान। कल मकराना विधायक रूपाराम मुरावतिया मोटरसाइकिल के जरिए पहुंचे कस्बे वासियों के बीच, परेशानियां जानकर उनके हल निकलवाने का दिया आश्वासन। साथ ही बाजार में दुकानदार के साथ हुई मारपीट में 8 दोषियों को करवाया गिरफ्तार। कल SP डॉक्टर विकास पाठक ने पुलिस थाना मकराना पहुंचकर आगामी ईद उल फितर त्योहार के मद्देनजर ली CLG सदस्यों की बैठक। कानून व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द के साथ त्योहार मनाने का किया आग्रह। जायल के रातंगा क्षेत्र में टीडी दल के हमलों से हुए नुकसान की समीक्षा के लिए
कल कृषि एवं सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव नरेश पाल गंगवार, जिला कलेक्टर दिनेश कुमार यादव व विधायक मंजू मेघवाल ने किया खेतों का निरीक्षण। जिले में नहीं थम रही है तंबाकू, सिगरेट व गुटखा की कालाबाजारी। नागौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के प्रमुख गुटखा व्यापारी रंगवाला के गोदामों से पिकअप के द्वारा सप्लाई हो रही गुटखा को किया जब्त। न्यूज 21 राजस्थान पर आज से ईद उल फितर के मुबारक मौके के लिए व्यक्तिगत, संस्था, फर्म या संगठन द्वारा बधाई संदेश एवं विज्ञापन की बुकिंग शुरू। स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर अथवा हमारे क्षेत्रीय संवाददाता के मार्फत करवा सकते हैं बुकिंग। तो ये था आज के अंक का नागौर हेडलाइंस। इसी तरह की हेडलाइंस लेकर हम अगले अंकों में आपके बीच में आते रहेंगे। यदि आप अपने क्षेत्र से भी किसी हेडलाइंस को इसमें शामिल कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर का उपयोग कर सकते हैं। हमें आवश्यकता है नागौर जिले के समस्त थाना क्षेत्र से ऐसे नौजवान साथियों की जो पैसे से पत्रकार हों अथवा पत्रकारिता का शौक रखते हों और खबरों के मामले में नागौर जिले को आत्मनिर्भर बनाने के स्वप्न से चले इस न्यूज 21 राजस्थान को नई पहचान दे सके। यदि आप इस तरह का अपने साथ अनुभव करते हैं या आप किसी ऐसी शख्सियत को जानते हैं जो हमारी इन योग्यताओं पर खरा उतरता है तो उस तक ये खबर जरूर पहुंचाएं और उनको हमारी टीम में शामिल करके नागौर जिले को खबरों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की ओर आप भी सहयोग प्रदान करें। ये था आज का अंक। इसी तरह के अंक लेकर आपके बीच में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।